हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो बेटा हम बात स्टार्ट कर रहे हैं वहीं से जहां छोड़ कर गए थे। बात स्टार्ट करेंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से और उससे रिलेटेड क्लॉजेस की बात करते हैं। बेटा कल मैं बात कर चुका हूं कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन 6 अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है जिनको हम क्लॉजेस ऑफ MOA बोलते हैं। बेटा बाबू पहले क्लॉज का नाम है द नेम क्लॉज। बेटा सेकंड क्लॉज का नाम है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। और बेटा थर्ड क्लॉज की भी चर्चा कर चुके हैं, थर्ड क्लॉज का नाम है ऑब्जेक्ट क्लॉज। बाकी चर्चा करेंगे प्यारे बच्चों, लेकिन आप मेरी तरफ देख रहे हैं, बहुत आराम से चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। मैं पहले हल्का सा रिवीजन कराता हूं। बेटा MOA इज डिवाइडेड इंटू 6 पार्ट्स। MOA के 6 अलग अलग टुकड़े हैं, मैंने 3 टुकड़ों का डिस्कशन कर लिया। बात करो नेम क्लॉज की, बेटा नेम क्लॉज में कंपनी का नाम लिखा होता है जिस नाम से कंपनी पूरी जिंदगी भर जानी जाएगी। और बेटा नेम क्लॉज कभी नहीं बदलता, सच बात तो ये है, कंपनी पूरी जिंदगी इसी नाम से जानी जाएगी बेटा। और ये नाम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी ने अप्रूव करके दिया था, याद कर लो प्रमोशन स्टेज। थर्ड पॉइंट नेम अप्रूवल। तो बेटा ये वही नाम है जो ROC ने अप्रूव करके दिया था जब आप प्रायोरिटी ऑर्डर में नाम भेजते थे, ये पहली वीडियो में भी है बेटा। चलो जी नेक्स्ट वन इज रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज। बेटा देखो अभी तो कंपनी फॉर्मेशन के प्रोसेस में ही है, ऐसा हो सकता है हमने तो ये भी डिसाइड ना किया हो कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होगा। जरूरी नहीं है बेटा डिसाइड हो चुका हो, और मैं मान के चलता हूँ 99% केस में डिसाइड नहीं हुआ होगा। चाहे डिसाइड नहीं हुआ, कुछ टीचर का कहना ये होता है बेटा रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज में ना एग्जैक्ट एड्रेस लिख दो। बेटा मैं बोल रहा हूँ 99% ऑफ द केसेस में डिसाइड ही नहीं हुआ था कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ सिचुएट करेगा बेटा। तो ऐसे केसेस में आपको बताना क्या होता है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज में, बेटा एक बात बतानी होती है, उस स्टेट का नाम बता दो जहां रजिस्टर्ड ऑफिस होगा। मैं कहता हूं एग्जैक्ट एड्रेस डिसाइड नहीं करा, मैं बोलता हूं सिटी डिसाइड नहीं करी, मैं बोलता हूं डिस्ट्रिक्ट डिसाइड नहीं करा, सर मोटा मोटा ये तो दिमाग में होगा ना कि स्टेट में मैं बेटा शुरू करूंगा बिजनेस। तो बेटा आपको स्टेट का नाम बताना होता है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज में। और कल मैं लॉजिक भी बता रहा था कि वाई स्टेट्स नेम, स्टेट का नाम ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं, डिस्ट्रिक्ट क्यों नहीं कहा आपने, आपने ये क्यों नहीं कहा कि सिटी का नाम बता दो, स्टेट का नाम ही क्यों बोला, क्योंकि बेटा इंडिया में ROC स्टेट वाइज बैठते हैं। अगर इंडिया में 29 स्टेट है तो 29 ROC हैं बेटा। आपको किस ROC को डॉक्यूमेंट देने हैं ये पता लगेगा कि किस स्टेट में आपका बिजनेस होगा। अगर आपने सोचा कि मैं तो यूपी में हेड ऑफिस रखूंगा, तो बेटा यूपी का ROC कानपुर बैठता है बेटा, सारे डॉक्यूमेंट कानपुर भेजने पड़ेंगे आपको। अगर आपने ये सोचा कि मैं तो मुंबई में रजिस्टर्ड ऑफिस रखूंगा, तो बेटा महाराष्ट्र का ROC मुंबई में ही बैठता है बेटा, तो मुंबई में ही डॉक्यूमेंट भिजवाने पड़ेंगे आपको। समझ आई बात बेटा? तो आपको क्या करना है बेटा, इसमें स्टेट का नाम मेंशन कर देना। और मैंने लॉजिक बताया क्यों स्टेट का नाम, लॉजिक कहीं नहीं लिखा हुआ, ये हर जगह लिखा हुआ है कि स्टेट का नाम लिखना है। दूसरी बात, अगर एग्जैक्ट एड्रेस डिसाइड हो चुका, जो 1% केस में डिसाइड होता है, तो बेटा एग्जैक्ट एड्रेस आप भेज सकते हो। और नहीं डिसाइड हुआ तो स्टेट का नाम बता दो आज, और जिस दिन कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी उसके 30 दिन के अंदर अंदर बता देना बेटा एग्जैक्ट एड्रेस। समझ आई बात, क्लियर बात? आज एग्जैक्ट एड्रेस पता है दे दो, नहीं पता आज स्टेट का नाम बता दो, 30 दिन के अंदर अंदर एग्जैक्ट एड्रेस बता देना। ठीक है जी, बढ़े आगे बाबू। थर्ड वन इज ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज सबसे खतरनाक मायने इसी के हैं बेटा। बाबू एक बात सुन लो, ऑब्जेक्ट क्लॉज में जो चीज लिखी होगी कंपनी सिर्फ वही काम कर सकती है। ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा है कंपनी कार खरीद सकती है, कंपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद सकती है, तो आप वो कर सकते हो। अगर कोई चीज आप ऑब्जेक्ट क्लोज में गलती से भी लिखना भूल गए ना बेटा, तो कंपनी वो काम पूरी जिंदगी नहीं कर सकती बेटा। इससे खतरनाक कोई क्लॉज हो नहीं सकता MOA में, काम की बात बता रहा हूं बाबू। ऑब्जेक्ट क्लोज में क्या लिखा होता है कि कंपनी किस ऑब्जेक्ट के लिए बनी है, कंपनी का पर्पस क्या है, क्या क्या नेचर ऑफ वर्क कंपनी कर सकती है, क्या उसका मैक्सिमम स्कोप है। और बेटा मैंने ये बात कल समझाते हुए एक बात बोली थी, सोचो बेटा
आज मान लो मैं कंपनी बनाता हूं, जिसमें मैं क्या करूंगा, मान लो मैं ही बना रहा हूं और बेटा मैं क्या करूंगा, ट्यूशन सर्विसेस बेटा रेंडर करूंगा, ठीक है। कंपनी बनाते टाइम मैंने आज की सिचुएशन को ही देखा, आज मेरी सिचुएशन यह जी मैं ट्यूशन पढ़ाता हूं और पीछे से किसी ना किसी के नोट्स टाइप करा लेता हूं, कुछ सर्विसेज ले लेता हूं। मैंने लिखवा दिया ऑब्जेक्ट क्लोज में कि मैं ट्यूशन सर्विसेज देने के लिए बना हूं, मेरी कंपनी ट्यूशन सर्विसेज देगी जिसमें मैं एक टीचर हूं और मेरे नीचे 50-60 टीचर और अपॉइंट मैं कर सकता हूं, और नोट्स टाइपिंग के लिए हम किसी की सर्विस ले सकते हैं। ये सब मैंने ऑब्जेक्ट क्लोज में लिखवा दिया, ठीक है। आप सोचो बेटा, आज से 5 साल बाद, आज से 10 साल बाद मुझे लगा मुझे ये कमरा छोटा पड़ने लगा है, मेरे पास 50-60 टीचर है, हमें एक ऑडिटोरियम की जरूरत पड़ रही है, बच्चे बढ़ रहे हैं, हम तो एक ऑडिटोरियम लेते हैं उसमें पढ़ाएंगे। मैं एक इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदने जा रहा हूं, क्या मैंने ऑब्जेक्ट क्लोज में लिखा कि कंपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद सकती है? सर आपने नहीं लिखा, आप पूरी जिंदगी ये काम कर भी नहीं सकते। एक्ट विचार बियॉन्ड द एमओए, एक्ट विचार बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट क्लोज आर कंसीडर्ड एज इलीगल एक्ट। अगर बेटा आपने ऑब्जेक्ट क्लोज के बियॉन्ड जाकर कोई काम कर दिया ना बेटा, इट इज कंसीडर्ड एज इलीगल, और मैं इसको टेक्निकल भाषा में बोलता हूं अल्ट्रा वायरस एक्ट। आप अल्ट्रा वायरस नहीं बोलेंगे, ये वर्ड आपको सीए फाइनल में सिखाया जाता है बेटा, 11th क्लास में आपके लिए इलीगल वर्ड ही सिंपल है। समझ आई बात बेटा? यानी कि बेटा मैं वो कोई काम नहीं कर सकता जो ऑब्जेक्ट क्लोज में नहीं लिखा, बेटा नहीं कर सकते। अगर आपको फिर भी करना है, बहुत मजबूरी है, तो बेटा आपको पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेकर एमओए को चेंज कराना होगा। जब एमओए चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट क्लोज चेंज हो जाएगा, तब जाकर आप वो काम कर पाओगे। और बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट वेली नहीं है, बस ये बात ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट क्लोज चेंज कराना या एमओए चेंज कराना इज अ वेरी कंबरसम टास्क बेटा, बहुत टाइम बर्बाद हो जाएगा आपका, बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद। बात क्लियर? 3 क्लॉजेस की बात, पीएचडी हो गई 3 क्लॉजेस पे, बड़े आगे बेटा। लो प्यारे बच्चों, सब मेरी तरफ देख रहे हैं बेटा, बात करता हूं लायबिलिटी क्लॉज की। लो प्यारे बच्चों, आप सामने देख रहे हो बेटा, बात करता हूं लायबिलिटी क्लॉज की। बाबू लायबिलिटी क्लॉज मैंने लिखा भी हुआ है, वैसे बता देता हूं जिन बच्चों ने सेकेंड चैप्टर पढ़ा है उनके लिए बहुत आसान है, मैं एक वर्ड बोलूंगा बेटा बात क्लियर हो जाएगी। जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए मेरे को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, अभी करेंगे बेटा, सुनना बहुत आराम से बेटा। लायबिलिटी क्लॉज में लिखा होता है कि मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड है, और कंपनी के केस में लिमिटेड ही होती है, और कितनी है ये भी लिखा होता है। प्यारे बच्चों सामने देखना क्या होता है लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब, मैं ये बता देता हूं बेटा। एक कंपनी है, उसने क्या करा, 1 लाख शेयर इशू कर दिए एट द रेट 10 ईच, हर शेयर 10 रुपए का है। एक कंपनी है बेटा, उसने 1 लाख शेयर इशू कर दिए एट द रेट 10 ईच, हर शेयर 10 रुपए का है, ठीक है जी। और बेटा मैं ही हूं मान लो कंपनी, और आज बेटा मुझे पूरे 10 लाख की जरूरत है नहीं, मैंने करे तो 10 लाख रुपए के शेयर इशू है, लेकिन मुझे जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत है 7 लाख रुपए की। मैंने क्या करा, आप सब शेयर होल्डर दे, मैंने कहा आप एक काम करो शेयर होल्डर, आज ना अपने शेयर पे 7 ही 7 रुपए दे दो, 10 मत दो पूरे। आप सब ने 1 लाख शेयर मेरे खरीद लिए, मैं आप सब 10 देने को तैयार बैठे हो, मैंने कहा 10 मत दो, मुझे आज जरूरत नहीं है, मेरे से खर्च हो जाएंगे, आप एक काम करो 7 दे दो, 3 मुझे जब जरूरत होगी ना तब मैं ले लूंगा आपसे। आपने कहा बिल्कुल ठीक, आपने मुझे 1 लाख शेयर पर 7 रुपए दे दिए, यानी कि मुझे 7 लाख रुपए दे दिए और मैंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, ठीक है जी। मैं कहता हूं बेटा कल को भगवान ना करे ऐसा कुछ हो गया कि कंपनी के ऊपर 1 करोड़ रुपए का कर्जा चढ़ गया, 1 crore का कर्जा चढ़ गया, अब मैं क्या कहूंगा शेयर होल्डर, क्या करूं, अपने घर बार बेच दो और मुझे पैसे दे दो? नहीं बेटा, कंपनी ये कभी नहीं कह सकती अपने शेयर होल्डर को कि अपना घर बार बेच दो बेटा। मेंबर की लायबिलिटी, आप सब मेंबर हो मेरी कंपनी के, आपकी लायबिलिटी लिमिटेड है। लिमिटेड लायबिलिटी का क्या मतलब हो सकता है, आप सिर्फ उतना ही पैसा मुझे दोगे जितना मैंने मांगा नहीं या जितना आपने दिया नहीं, इसको प्यार से बोलते हैं बेटा अनकॉल्ड अमाउंट और अनपेड अमाउंट। मैंने कितना कॉल नहीं किया अभी तक बेटा, 3 रुपए कॉल नहीं करे बेटा 1 लाख शेयर पर, और आपने 3 ही रुपए अनपेड रह गए हैं बेटा 1 लाख शेयर पर।
आप कितना दोगे, मेरे ऊपर कितना भी कर्जा चढ़ जाए, आपने 3 लाख रुपए देने, आपने कहा जी नमस्ते खत्म। मेंबर की लायबिलिटी कंपनी के केस में लिमिटेड है, मेंबर का कोई घर नहीं बिकता कभी भी, कंपनी जाने कहां से लाएगी पैसे, मेंबर कुछ नहीं देगा, मेंबर सिर्फ वही पैसे देगा जो अनकॉल्ड है या अनपेड है बेटा, दैट्स इट, यही लिखा होता है लायबिलिटी क्लॉज में, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखा होता। बढ़े आगे जी, लो प्यारे बच्चों सामने देखना, फिफ्थ क्लॉज नोट्स में रह गया लिखना, नोट्स में नहीं लिखा हुआ बेटा मैं पहले ही बता रहा हूं, सब मेरी तरफ देख रहे हैं समझेंगे बहुत आराम से। कैपिटल क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, लो प्यारे बच्चों कैपिटल क्लॉज में क्या लिखा होता है पहले समझेंगे, कोई लिखने पे ध्यान नहीं देगा बेटा, एक लाइन लिखवानी है लिखवा दूंगा, टेंशन मत लो, पहले समझ लो क्या लिखा होता है। अंशिका हाँ जी इधर ही, इधर बाबू बात करेंगे कैपिटल क्लॉज की, कैपिटल क्लॉज का क्या मतलब है और क्या लिखा होता है कैपिटल क्लॉज में। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट कैन बी रेज्ड फ्रॉम द जनरल पब्लिक, मेरी तरफ देखना बेटा क्योंकि मैं लॉजिक के साथ क्लियर करूंगा। बाबू क्या एक कंपनी को पावर दे दे कि आप अनलिमिटेड पैसा रेस कर लो पब्लिक से, मैं कंपनी हूं बेटा मुझे पावर दे दे कि आप अनलिमिटेड पैसा रेस कर लो पब्लिक से, पता है क्या होगा बेटा, अगले दिन की फ्लाइट की टिकट बुक होगी सिंगापुर की, आज पैसे इकट्ठे होंगे बेटा और फिर आपको पता है बेटा क्या हो रहा होगा, बाय बाय इंडिया, ठीक है ना सर। किसी कंपनी को अनलिमिटेड पावर नहीं दी जा सकती, सुन लो बहुत आराम से इस चीज को, हम कैपिटल क्लॉज में लिखते हैं मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट कैन बी रेज फ्रॉम द जनरल पब्लिक, और एक अथॉरिटी कहती है हमें लिखने को, अथॉरिटी का नाम बाद में बताऊंगा बेटा, पहले काम की बात सुन। बाबू कितनी होगी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल ये कैसे डिसाइड होगा, क्या अभी तक कंपनी बन गई, अभी तक तो कंपनी बनी नहीं भाई, तो कैसे डिसाइड करोगे कि कंपनी कितना पैसा ले सकती है। सुनो जी आपने MOA पे साइन कराए थे 3 डायरेक्टर के, याद है आपको कल बात करी थी मैंने बेटा, कल की वीडियो में बात है ये, बाबू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे 3 डायरेक्टर के साइन कराए थे, आज बुलाया जाएगा उन 3 डायरेक्टर को कि बता दो डिक्लेयर करो आपके पास कितनी कितनी प्रॉपर्टी है। एक डायरेक्टर ने बताया कि मेरे पास 5 करोड़ की एसेट है, दूसरे ने बताया कि मेरे पास 10 करोड़ की एसेट है, तीसरे ने बताया मेरे पास 2 करोड़ की एसेट है, टोटल मिलाकर आप तीनों के पास 17 करोड़ की एसेट है। इसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि आज आप कितने पैसे ले सकते हो, आपको क्या कहा जाएगा 17 करोड़ से कुछ अमाउंट कम दे दी जाएगी, आपको कहा जाएगा ले लो पब्लिक से इतने पैसे। कैसे डिसाइड करा बेटा, डायरेक्टर की फाइनेंशियल साउंडनेस देखी हमने, ठीक है ना। अब समझने की कोशिश करना कितना लॉजिकल है, मान लो बेटा आपको कह दिया गया कि आप 10 करोड़ रुपए रेस कर सकते हो, क्योंकि डायरेक्टर के पास मिलाकर 17 करोड़ रुपए, आपको कह दिया आप पब्लिक से 10 करोड़ रेस कर लो, बेटा कल को आप अगर भाग भी गए तो कोई बेटा 17 करोड़ छोड़कर 10 करोड़ लेकर भागता नहीं है दुनिया से, समझ में आया बेटा, क्या इंश्योर करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है जी। क्या ये फ्यूचर में बदली जा सकती है कैपिटल, बदली जा सकती है सर। पहला साल बीता कंपनी ने मान लो 20 करोड़ अर्न कर लिए, कंपनी रिक्वेस्ट लगाएगी सर मेरी लिमिट बढ़ा दो, तो उसने कहा ठीक है लिमिट बढ़वा लो। अगले साल कंपनी ने 50 करोड़ कमा लिए, बेटा लिमिट बढ़वा लो, बेटा जैसे जैसे आप कमाते जाओ अपनी लिमिट बढ़वाते जाओ, आप पब्लिक से फिर कितना भी पैसा रेस कर सकते हो, समझ आई बात। और बेटा दो नाम है बेटा इसके, सुन लो कैपिटल क्लोज में क्या लिखा होता है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट कैन बी रेज्ड फ्रॉम द जनरल पब्लिक, और इसको हम प्यार से दो नाम से जानते हैं, या तो इसको हम बोलते हैं ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल या इसको हम बोलते हैं नॉमिनल कैपिटल। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल क्या होती है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट कैन बी रेज्ड फ्रॉम द जनरल पब्लिक इज नोन एज ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल और द नॉमिनल कैपिटल। लो लिखना शुरू करो फटाफट से बेटा, लेफ्ट हैंड साइड वाला पेज खाली है चाहे वहीं लिख लो, और यहीं लिखना है तो यहीं लिख लो बेटा, कैसे भी लिख लो। लिखो जी हेडिंग कैपिटल क्लॉज, लिखो जी हेडिंग कैपिटल क्लॉज, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल, हम पढ़ने आते हैं बिना पेन के, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट कैन बी रेज्ड फ्रॉम द जनरल पब्लिक
इज नोन एज ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल. ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल और द नॉमिनल कैपिटल. बात क्लियर जी? लो प्यारे बच्चों सामने देखना, मेमोरेंडम के 5 क्लॉज सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ, सबसे काम की चीज है बेटा. और अभी ये केस स्टडी का जिक्र करने वाला हूं मैं अगले ही सेकंड. सामने देखना बेटा, मैंने मेमोरेंडम के 5 क्लॉज की बात करी. द नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज और बेटा 6 का भी जिक्र करूंगा, एसोसिएशन क्लॉज. नेम क्लॉज में कंपनी का नाम, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में बेटा स्टेट का नाम जिसमें रजिस्टर्ड ऑफिस प्रपोज टू बी सिचुएटेड है, और अगर एग्जैक्ट एड्रेस डिसाइड हो चुका है तो एग्जैक्ट एड्रेस. ऑब्जेक्ट क्लॉज में कंपनी क्या क्या काम कर सकती है सब लिखवा लो जो आपको लगता है, ठीक है जी. कैपिटल क्लॉज, मैक्सिमम कितने फंड रेज कर सकते हो पब्लिक से, ये लिखा होता है. लाइबिलिटी क्लॉज, ये लिखा होता है कि मेंबर की लाइबिलिटी लिमिटेड है, कंपनी आपके ऊपर कितना भी कर्जा चढ़े कभी भी मेंबर घर बार आपके लिए नहीं बेचेंगे. लास्ट वन इज एसोसिएशन क्लॉज. खैर ये सबसे टुच्ची बात है, इसमें कुछ काम का नहीं है. एसोसिएशन क्लॉज में क्या होता है बेटा, डायरेक्टर लिख कर देते हैं कि हमारे नाम ये हैं. मान लो 3 डायरेक्टर हैं तो तीनों डायरेक्टर अपने नाम बताएंगे, अपने एड्रेस बताएंगे और बोलेंगे कि हम MOA के अकॉर्डिंग कंपनी बनाने को तैयार है और फ्यूचर में क्वालिफिकेशन शेयर भी बाय कर लेंगे. बेटा जिसने कल की वीडियो देखी उसको पता होगा क्वालिफिकेशन शेयर क्या होते हैं, जिसने नहीं देखी देख लेना. एसोसिएशन क्लॉज बिल्कुल सिंपल, डायरेक्टर बताएंगे मेरे नाम ये हैं, हमारे एड्रेस ये हैं, हम MOA के अकॉर्डिंग कंपनी बना रहे हैं, कोई भी इलीगल काम नहीं करेंगे और हम क्वालिफिकेशन शेयर फ्यूचर में बाय कर लेंगे जब भी शेयर इशू होंगे. दैट्स इट, MOA खत्म. काम की बात, केस स्टडी सुनना और समझदार बच्चे एक बार में आंसर करना. पेपर में केस स्टडी आएगी बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आने वाला. और अगर आप यहां बैठकर हर लेक्चर आराम से सुन लेते हो बेटा तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आपको आने वाली है. बाबू केस स्टडी ये आती है, 2 कंपनियां हैं, 2 कंपनियां क्या एग्जैक्टली सेम MOA के साथ बनाई जा सकती हैं? सर ऑन लॉजिक, दिल नहीं बोलना चाहिए आपका, मुझे लॉजिक बताना. क्या 2 कंपनियां, मान लो मैंने एक कंपनी के लिए MOA बनाया, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट CA लिखता है बेटा, MOA, मैंने कंपनी के लिए MOA बनाया, मेरे पास कोई दूसरी कंपनी का डायरेक्टर आया कह रहा मैं कंपनी बनाना चाहता हूं, क्या मैं सेम MOA एग्जैक्टली द सेम MOA पेल सकता हूं कि नहीं पेल सकता? क्यों सर, क्यों? बिल्कुल बिल्कुल काम की बात. सर देखो 5 क्लॉज बिल्कुल सिमिलर हो सकते हैं लेकिन नेम क्लॉज कभी सिमिलर नहीं हो सकता. सर आपको याद होगा अगर आपने कल वाली परसों वाली वीडियो देखी है तो, बेटा इंडिया में 2 कंपनी कभी भी सेम नाम से रजिस्टर्ड हो ही नहीं सकती. तो मैं बोलता हूं 5 क्लॉज डिफरेंट हो सकते हैं, सॉरी 5 क्लॉज सिमिलर हो सकते हैं लेकिन नेम क्लॉज तो डिफरेंट होगा ही होगा. आप समझो, क्या रजिस्टर्ड ऑफिस सेम हो सकता है? हो सकता है. एक कंपनी ग्राउंड फ्लोर पे और दूसरी फर्स्ट फ्लोर पे, एड्रेस सेम. क्या बेटा ऑब्जेक्ट क्लॉज सेम हो सकता है? हो सकता है बेटा. क्या कैपिटल क्लॉज लायबिलिटी क्लॉज सेम हो सकता है? हो सकता है बेटा. क्या एसोसिएशन क्लॉज सेम हो सकता है? सब कुछ सेम हो सकता है लेकिन बेटा नेम क्लॉज कभी सिमिलर हो ही नहीं सकता. इंडिया में 2 कंपनी कभी भी आइडेंटिकल नेम से रजिस्टर्ड हो ही नहीं सकती बेटा. यूनिक नेम ही चाहिए आपको, हर हाल में यूनिक होना चाहिए. केस स्टडी क्लियर हुई? ठीक थी? ऐसी चीजों के लिए प्रिपेयर रहना, अगर ये नहीं चलाओगे तो बेटा सब खत्म है. बड़े आगे जी, चलो सेकेंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की बात करते हैं बेटा, जिसको हम प्यार से बोलते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. लो प्यारे बच्चों बहुत आराम से इस बात को समझना. मैंने MOA की बात कर ली, अब AOA की बात करते हैं. बाबू कल मैं MOA और AOA का डिफरेंस बता रहा था. MOA बताता है कंपनी की रिलेशन विद आउटसाइडर और AOA बताता है कंपनी की रिलेशन विद इनसाइडर. कंपनी कभी भी इनसाइडर से डील करेगी AOA पड़ेगी, कंपनी कभी भी आउटसाइडर के साथ डील करेगी हमेशा MOA पड़ेगी, ठीक है ना. MOA इज द रैंक 1 डॉक्यूमेंट इन अ कंपनी.
अगर मैं बात करूं रैंक की तो एमओए से इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं, एमओ इज द प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट, एमओ इज ऑल्सो नोन एज चार्टर ऑफ द कंपनी। तीन नाम है इसके, रैंक वन डॉक्यूमेंट बोल दो, प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट बोल दो, चार्टर ऑफ द कंपनी बोल दो। एओए इज द सेकेंडरी डॉक्यूमेंट, इज अ रैंक टू डॉक्यूमेंट, इज अ सब्सिडरी डॉक्यूमेंट। कुछ बोल लो बेटा, इसकी रैंक टू है, लेकिन बस ये बात समझ लो, ठीक है ना बाबू। एओए में लिखा क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट। कंपनी के अंदर का मैनेजमेंट कैसे चलेगा उसके रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे होते हैं। पता है कितने कितने क्लॉजेस लिखे होते हैं, खुद लिखता हूं भाई, 110 क्लॉज। चलो जी आज 110 पढ़ेंगे बेटा। एओए में कुछ क्लॉज नहीं है बेटा, कुछ नहीं पढ़ना, बड़ी सिंपल सी बात बेटा। इसे हम एक और नाम से जानते हैं, सुनते जाओ, काम की बात है बेटा। नोट्स में एक भी काम की बात नहीं लिखी होती, कसम खा के बता रहा हूं। इसका एक और नाम है बेटा, इसको बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं बेटा, डॉक्ट्राइन, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। डॉक्ट्राइन का मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन से ही होता है, चाहे तो बोल लो रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे होते हैं इंटरनल मैनेजमेंट के, चाहे लिख लो रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे होते हैं इंटरनल अफेयर्स के, चाहे बोलो डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, ये सारे नाम इसी के ही हैं बेटा। समझ आई बात, ठीक है ना। एक काम की बात बाबू, अगर कोई कंपनी एमओए ना बनाए तो काम चल जाएगा? नहीं चलेगा बेटा, रैंक वन डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा हर हाल में। लेकिन काम की बात सुनना, अगर कोई कंपनी एओए ना बनाए तो काम चल जाता है, कैसे समझते हैं बेटा? एओए बनाना जरूरी नहीं होता किसी भी कंपनी के लिए, बना लो वेल एंड गुड। आप नहीं बनाना चाहते ना, तो हमारे पास ना एक लॉ है, कंपनीज एक्ट 2013, नया नाम, पुराना नाम था इसका कंपनीज एक्ट 1956। बेटा कंपनीज एक्ट 2013 में ना एक जगह पर टेबल एफ करके एक चीज दी गई है। टेबल एफ में ना इन्होंने समझाया कि किसी भी कंपनी का एओए ना दिखने में ऐसा हो सकता है। इन्होंने अपने आप में बेटा 100 से ज्यादा क्लॉज बनाकर दिए। माना जाता है अगर कोई कंपनी अपना एओए ना बनाए तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर टेबल एफ लगने लग जाती है, ठीक है ना। कंपनीज एक्ट 1956 में इसका नाम टेबल ए था, मैंने आज तक नोट्स में टेबल ए लिखा हुआ है, आप काट के क्या कर लोगे, इसका नाम टेबल एफ। सुन लो बेटा मैं क्या बोल रहा हूं, काम की बात। आप एओए बनाते हो, बहुत अच्छी बात, वही एओए आपके ऊपर लग जाएगा। आपको लगता है यार मुझे एओए नहीं बनाना, तो बेटा मत बनाओ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आपके ऊपर क्या होगा, कंपनीज एक्ट 2013 का टेबल एफ लगने लग जाएगा। इसमें 100 से ज्यादा क्लॉज दिए गए हैं, वही क्लॉज ऑटोमेटिकली आपके ऊपर इंप्लीमेंट होने लग जाएंगे। एमओए के बिना गाड़ी नहीं चल सकती, एमओए तो बनाना ही बनाना कंपलसरी है। एओए बनाना या नहीं बनाना इट इज टोटली ऑप्शनल। बनाया तो वही लगेगा, नहीं बनाया तो टेबल एफ लगेगी, ठीक है प्यारे बच्चों। अभी हमें आप एक काम करते हैं, एमओए और एओए को रीड करते हैं, फिर प्रॉब्लम्स, फिर आगे बढ़ेंगे बेटा। तो बेटा अभी आप देखोगे कि हमने ना दो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लिए, एक एमओए प्रिपेयर कर लिया जिसके अपने आप में 6 क्लॉजेस थे, एक एओए प्रिपेयर कर लिया बेटा 110 120 क्लॉज कितने भी लिखवा सकते हो आप, ठीक है ना। तो इतने बड़े बड़े दो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लिए, अब 4 डॉक्यूमेंट और चाहिए हमारे को बेटा। खैर ये हैं बहुत सिंपल, बाकी 4 डॉक्यूमेंट इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है कंसेंट ऑफ प्रपोज्ड डायरेक्टर, देख लो बेटा एक बार। हेडिंग का नाम है कंसेंट ऑफ प्रपोज्ड डायरेक्टर, बता दूं बेटा ये ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, कल पढ़ा था, याद करो मेरी तरफ देखो बेटा। मैंने आपको कहा था बादाम खाने शुरू करो, आपको कुछ याद नहीं आता था, मैं याद कराता हूं। तो बाबू याद करो कल की फोर्थ हेडिंग, प्रमोशन स्टेज फोर्थ हेडिंग थी बेटा क्या, फिक्सिंग अप सिग्नेटरीज टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम पे साइन करने वाले लोग तय कर लो, और बेटा जब हम डायरेक्टर तय करते हैं ना उनसे एक रिटर्न कंसेंट ले लेते हैं, और ये लॉजिक आपको समझ में आ जाएगा जब कल वाली वीडियो देख लोगे आपकी क्यों ले लेते हैं उनसे रिटर्न कंसेंट। क्लियर बात, मेरे लिए डॉक्यूमेंट प्रिपेयर हो गया, ठीक है ना। जिसने वीडियो नहीं देखी यार घूरो मत यार, मेरी गलती नहीं है कसम से, तुमने नहीं देखी ठीक है ना, मुझे डरा रहे हो तुम यार। चलो आगे समझ आएगा, कोई नहीं, एक आधी हेडिंग नहीं आ रही समझ टेंशन मत लो, मैंने पहले ही कहा था 60-70% समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, फोर्थ हेडिंग इज एग्रीमेंट। लो जी ये आपके लिए सबके लिए नई बात है, सब देख रहे हैं मेरी तरफ, सामने देखना,
सब सामने देख रहे हैं बेटा, कहता है एग्रीमेंट करा लो। अब किससे एग्रीमेंट कराना है ये समझ लो बेटा। लो प्यारे बच्चों, सब सामने देख रहे हैं किससे एग्रीमेंट कराना है, मैं ये बता रहा हूं। बाबू कंपनी में ना बहुत सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो सकते हैं, और आपको बता देता हूं एज पर कंपनीज एक्ट 2013 अ कंपनी में हैव अ मैक्सिमम 12 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। एक कंपनी में ज्यादा से ज्यादा 12 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो सकते हैं, और 12 कम नहीं होते बेटा। और बेटा इसमें से कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बड़े स्पेशल काइंड ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, ठीक है ना। आपने नाम सुना होगा कभी मूवीज में बेटा इनका, मैं उन्हीं का ही नाम ले रहा हूं बेटा। ये स्पेशल काइंड ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं। एक होता है एमडी, नाम सुना है ना बेटा, एमडी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है ना। एक और स्पेशल काइंड ऑफ डायरेक्टर है जिनको बोलते हैं डब्ल्यूटीडी, डब्ल्यूटीडी मतलब ऑल टाइम डायरेक्टर्स। और एक और स्पेशल काइंड ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं जिनको बोलते हैं मैनेजर्स। ये तीनों स्पेशल काइंड ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। 12 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से ही बेटा क्या क्या होता है, बहुत सारे अलग अलग नाम देते हो आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। किसी को एमडी बना देते हो, कि कोई होल टाइम डायरेक्टर होता है, कोई मैनेजर होता है, कोई सीईओ होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, कोई सीएफओ होता है चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, कोई सीओओ होता है चीफ ऑपरेटिंग सॉरी सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, कोई बेटा चेयरमैन होता है, कोई प्रेसिडेंट होता है, कोई वाइस प्रेसिडेंट होता है। यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की भी बहुत सारी कैटेगरी है। हमने इतना डिटेल नहीं जाना, लेकिन बेटा तीन नाम पता होने चाहिए बेटा। ये कुछ स्पेशल काइंड ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, इनके साथ ना एग्रीमेंट जरूर लिखवा लेना। एग्रीमेंट किस चीज का, क्या एग्रीमेंट में लिखवाना चाहिए बेटा? ये कंपनी के ना सबसे तगड़े लोग हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, हॉल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर। सही मायने में ना कंपनी चली इनके दम के ऊपर रही होती है, सही मायने में कंपनी इनके दम के ऊपर चल रही है। इसको कंपनी का हर ट्रेड सीक्रेट पता है, हर चीज पता है इनको कंपनी की, अंदर अंदर तक की खबर है कंपनी की। अगर इन्होंने बिना बताए आपकी कंपनी छोड़ दी ना, तो समझ लेना कंपनी ढह गई बेटा। कोई मैनेज नहीं करने वाला होगा बेटा, बचाने वाला भी नहीं होगा, कोई कंपनी का बिजनेस चौपट हो जाएगा। तो सर जब हम इनको अपॉइंट करते हैं ना, इनके साथ एक एग्रीमेंट लिख लेते हैं आज ही। क्या एग्रीमेंट में लिखवाना है? कि आप अपनी मर्जी से कंपनी क्विट नहीं कर सकते, एटलीस्ट 3 मंथ प्रायर नोटिस चाहिए हमारे को कंपनी छोड़ने से पहले। सर कंपनी छोड़ने से पहले एटलीस्ट 3 मंथ प्रायर नोटिस चाहिए। अगर आपको लगता है आपने 1 जून को कंपनी छोड़नी है, तो बेटा 1 मार्च को नोटिस दे देना कि मैं 1 जून को कंपनी छोड़ दूंगा। इतने में हम क्या करेंगे बेटा, कोई और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इनके साथ बिठाना शुरू कर देंगे, उसे कहेंगे बेटा सारा काम सीख ले इससे 3 महीने में, क्या क्या करता है ये, और तू ही अपॉइंट होने वाला है फ्यूचर में मैनेजिंग डायरेक्टर। समझ में आया बेटा क्यों एग्रीमेंट करने की जरूरत पड़ रही है? ये अगर अपनी मर्जी से गया ना बेटा, इसने कल ही कह दिया मैं तो बस कल से जा रहा हूं, बस बेटा कंपनी समझ लेना हो गई चौपट बेटा। तो बेटा हम इनसे एक बॉन्ड साइन करते हैं, आप इसको बेटा सिंपल लैंग्वेज में बॉन्ड बोलते हो, हम टेक्निकल लैंग्वेज में इसको एग्रीमेंट बोलते हैं। हां जी हाँ, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर उसकी डेथ हो जाए तो एक्सेप्शनल तो पूछना है, उसे ऊपर वाले से बुला के लाएंगे, आजा 3 महीने पहले बताना था। नहीं 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 ऐसे डेथ नहीं हो सकती, मर गया तो मर गया, खत्म कहानी। हाँ जी बाबू, वो कहीं ना कहीं एडवांटेजियस पोजीशन में तो होता ही है, लेकिन हम किसी को रोक थोड़ी सकते हैं, जा तो सकता ही है ना अपनी मर्जी से। उसको लगता है कि मेरी रेम्यूनरेशन अच्छी नहीं है, आप तो 5 ही लाख सैलरी दे रहे हो, दूसरी कंपनी मुझे 10 लाख ऑफर कर रही है। तो बेटा अगर हम 10 लाख देने की पोजीशन में नहीं, हम क्या कहेंगे, चला जाइयो भाई 3 महीने तो बैठ। एमडी, ठीक है जी, बात समझ में आई बेटा? एग्रीमेंट क्लियर है, बट क्या एग्रीमेंट कराना है, किससे कराना है बेटा? एग्रीमेंट कराना है इन तीन लोगों से। एग्रीमेंट कराना क्या है बेटा? कि आप अपनी मर्जी से कंपनी नहीं छोड़ सकते, ठीक है ना जी, बात क्लियर। आगे बढ़े बेटा, पांचवा डॉक्यूमेंट। लो जी पांचवा डॉक्यूमेंट है स्टैचुरी डिक्लेरेशन। अगेन बेटा मैं फिर बोल रहा हूं बेटा, स्टैचुरी मतलब क्या होता है वैसे ये बताओ। स्टैचुरी का मतलब होता है एज पर लॉ, और डिक्लेरेशन बेटा कुछ डिक्लेयर करना। और इंडिया में अगर कोई भी चीज कहीं डिक्लेयर करनी हो ना बेटा, हमेशा डिक्लेयर की जाती है ऑन स्टैम्प पेपर। और ये कह रहा है स्टैचुरी डिक्लेरेशन है, यानी कि एज पर लॉ एक डिक्लेरेशन है,
लॉ ने कहा है बेटा, जबरदस्ती की डिक्लेरेशन है। लॉ ने कहा स्टैम्प पेपर पे प्रिंट करा लो एक स्टेटमेंट और नीचे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर साइन कर दो। क्या बेटा स्टेटमेंट है? कि हमने एज पर लॉ सारे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लिए जो भी कंपनी बनाने के लिए चाहिए। हमने एमओए भी बना लिया, हमने एओए भी बना लिया, हमने सारे डायरेक्टर की कंसेंट भी ले ली, हमने एग्रीमेंट भी कर दिया। लो जी सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर साइन कर देंगे, मतलब बेकार की डिक्लेरेशन। ये कोई लेनी जरूरी थोड़ी थी बेटा। सिर्फ स्टैम्प पेपर पे ये लिखवाना है कि कंपनी बनाने के लिए जितने डॉक्यूमेंट चाहिए हमने सारे प्रिपेयर कर लिए, एमओए भी प्रिपेयर कर लिया, एओए भी, कंसेंट भी ले लीजिए, एग्रीमेंट भी कर लिया जी, और साइन कर देंगे बेटा सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। खत्म होगी स्टैचुरी डिक्लेरेशन। लास्ट वन, पेमेंट ऑफ फीस। सर कंपनी कभी भी फ्री में रजिस्टर्ड नहीं होने वाली, आरओसी को चाहिए फीस। और बेटा आप फीस दो, कंपनी रजिस्टर्ड करा लो। अप्रॉक्सीमेटली लीगल फीस 2.5 से 3 हज़ार रुपये रहती है लीगल फीस, ठीक है ना बाबू? और यहाँ बात हम लीगली करने बैठे हैं, विद्या का मंदिर है ये, कोई गलत बात नहीं करनी बाबू, ठीक है जी? 2.5 से 3 हज़ार रुपये लीगल फीस है, वो देनी है आपको और कंपनी रजिस्टर्ड, ठीक है जी? और आज की तारीख में बता देता हूँ, पुराने ज़माने में पेमेंट ऑफ फीस का प्रूफ होता था आपके पास। कैसे प्रूफ होता था? आप बैंक जाते थे, चलान जमा करते थे, बैंक स्टैम्प करके आपको पेपर देता था कि हाँ जी आपने 3 हज़ार रुपये जमा कर दिए। और आज की तारीख में आपके पास प्रूफ क्या होता है? क्योंकि हम डिजिटल वर्ल्ड में जा चुके हैं, आज की तारीख में हम जब पेमेंट करते हैं ऑनलाइन, जी पे से करते हैं, फोन पे से करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से करते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, तो उसका एक रेफरेंस नंबर मिलता है हमारे को। वो रेफरेंस नंबर प्रूफ होता है कि हमने पेमेंट कर दिया। समझ आई बात? 6 डॉक्यूमेंट बना लिए बेटा आपने, और आपको बता देता हूं सब मेरी तरफ देख रहे हैं बेटा, अभी रीड करेंगे बहुत आराम से। बाबू इस टॉपिक का नाम था डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड। और कल मैंने जब ये टॉपिक स्टार्ट करा था मैंने क्या बोला था आपको? मैंने कहा देखो टॉपिक का नाम है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड, और ये कब सबमिट होने वाले हैं? ये तो लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड। मैंने बताया था ये इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर सबमिट होने वाले हैं, जो हमारी सेकंड स्टेज है। और मैंने बोला था जैसे ये टॉपिक खत्म होगा समझ लेना इनकॉर्पोरेशन खत्म हो गया। यही बोला था ना बेटा कि जैसे ये टॉपिक खत्म होगा इनकॉर्पोरेशन खत्म हो गया। अभी आप देखोगे जैसे ये 6 हेडिंग खत्म हुई है एक टॉपिक दिया गया पोजीशन ऑफ प्रमोटर, दिया गया 3 लाइन का, पढ़ेंगे इसको। उससे नीचे टॉपिक क्या दिया गया? इनकॉर्पोरेशन। पॉइंट देखना कितने लिखे हैं, 8। लो मैंने पहले ही बोला खत्म करूंगा, 1 सेकंड में खत्म कर रहा हूं। लो सुन बेटा, इनकॉर्पोरेशन का सिंपल मतलब क्या होता है? सिंपल मतलब जान लो, इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन। इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन कराना, यानी कि कंपनी अब रजिस्टर्ड होने जा रही है। आज मोहर लग जाएगी बेटा कंपनी के ऊपर, आज लगेगी मोहर जब इनकॉर्पोरेशन पूरा हो जाएगा। और बेटा इनकॉर्पोरेशन कराने के लिए आपको 8 डॉक्यूमेंट देने हैं। कौन से 8? 6 ही तो पढ़े हमने। सर बेटा आपके पास सच में 8 डॉक्यूमेंट है, आपको पता नहीं है, मैं बताता हूं। एमओए आपके पास, मेरी तरफ देखो फटाफट से, एमओए है, एओए, कंसेंट ऑफ प्रपोज डायरेक्टर, एग्रीमेंट, स्टैचुरी डिक्लेरेशन, पेमेंट ऑफ फीस, ये तो 6 है, 2 और है। आरओसी ने नेम अप्रूवल करके एक डॉक्यूमेंट दिया होगा आपको कि कंपनी आप पूरी जिंदगी इस नाम से जानने जाओगे, ठप्पा, उसकी फोटो स्टैट कराना, 7वां डॉक्यूमेंट। 8वां डॉक्यूमेंट, सर कंपनी रजिस्टर्ड हो रही है, आज एग्जैक्ट एड्रेस बता दो। सर याद आया? सर रजिस्ट्रेशन तो हो ही नहीं सकता बिना एग्जैक्ट एड्रेस के, आज तो बताना ही पड़ेगा आपको। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज के टाइम पर नहीं बताया था ना, इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर बताना जरूरी है। समझ में आया? 8 डॉक्यूमेंट कौन से? 6, यही नेम अप्रूवल 7वां, और बेटा एग्जैक्ट एड्रेस। कि कंपनी को अगर आपने कभी भी कुछ बोलना हो, नोटिस भेजना हो, सम्मन भेजना हो, किस जगह पे भेजोगे? इसी जगह पे भेजोगे, एग्जैक्ट एड्रेस तो बताओ। क्लियर बात? अब हम रीड करेंगे बेटा इनकॉर्पोरेशन, तसल्ली से बता रहा हूं, 2 प्रॉब्लम आएंगी एमओए वाले पॉइंट में और एओए वाले पॉइंट में, प्रॉब्लम आएंगी, अगर आपकी ना ही तो मेरी है, तैयार रहो प्रॉब्लम, या तो आप पूछ लेना या मैं पूछ लूंगा, रीड करो। चलो जी बेटा अभी एक काम करते हैं, मैंने पहले ही बोला है कि एओए और एमओए में प्रॉब्लम हमें आने वाली है, तो बेटा एमओए का पॉइंट एक बार ढंग से रीड करेंगे बड़ी तसल्ली के साथ। इधर देख रहे हैं सब मेरी तरफ बेटा, इसने बोला इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर आप 8 डॉक्यूमेंट सबमिट करने वाले हो, जिसमें पहले और दूसरे नंबर के डॉक्यूमेंट है, एमओए और एओए और 6 अदर डॉक्यूमेंट है,
और MOA और AOMA में प्रॉब्लम आई है क्या, समझते हैं बहुत आराम से। बेटा आप जो प्रॉब्लम पूछ रहे हो ना, सही मायने में मेरी नजर में तो वो प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं तो किसी और चीज का जिक्र करने वाला हूं। इसने लिखा है MOA ड्यूली साइंड, ड्यूली स्टैम्प्ड एंड विटनेस्ड। सर आ जाओ, आपको जिस चीज में प्रॉब्लम नजर नहीं आती, मनीष को तो प्रॉब्लम ही उसी चीज में नजर आती है। लो सुनो, कहता है MOA साइंड होना चाहिए, MOA स्टैम्प्ड होना चाहिए और MOA सबसे खतरनाक वर्ड विटनेस्ड होना चाहिए। लो प्यारे बच्चों, सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ, बहुत आराम से चीज को समझेंगे। सर कहते हैं MOA साइन होना चाहिए, साइन करेगा कौन? याद कराता हूं बेटा, चैप्टर 2, जिसने कंपनी की वीडियोस पढ़ी है बेटा, जिसने कंपनी के बारे में सब कुछ मुझसे समझा है। सर पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 मेंबर होते हैं, कम से कम 3 डायरेक्टर होते हैं। प्राइवेट कंपनी में 2 मेंबर होते हैं मिनिमम और 2 ही मिनिमम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं। बेटा पहले मेंबर, पहले डायरेक्टर वही बनते हैं जो MOA पे साइन करते हैं। सर अभी तक मेंबर कहां से आए? एक प्रमोटर ही तो था जिसने सोचा कि कंपनी होगी, कहां से आए मेंबर? 7 कहां से आ गए आप? तो कौन 7 मेंबर बनेंगे? जो 7 लोग साइन करेंगे MOA को, वो 7 लोग मेंबर बनेंगे। और बेटा जो 3 लोगों के डायरेक्टर के कॉलम में आप साइन कराओगे, वो 3 लोग डायरेक्टर बन जाएंगे। अगर प्राइवेट कंपनी होगी तो 2 ही मेंबर 2 ही डायरेक्टर हो सकते हैं। समझ आई बात? तो साइन कौन करेगा? 7 मेंबर और 3 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, पहली काम की बात। समझ आई? दूसरी काम की बात, स्टैम्प्ड। किसकी स्टैंप भाई? सर कॉमन सील ऑफ अ कंपनी। याद आना मुश्किल है, बादाम नहीं खा रहे हम आजकल। सर कंपनी की एक स्टैंप होती है जिसको हम टेक्निकल भाषा में कॉमन सील बोलते हैं। सर सिंपल वर्ड, स्टैंप वर्ड नहीं सुना क्या हमने? कंपनी की स्टैंप होती है, ठीक है ना, टेक्निकल भाषा कॉमन सील, आपको पता है। बेटा विटनेस्ड, ये वर्ड के मायने भाई आप सोच भी नहीं सकते कितने तगड़े हैं, ये समझ लो मुझसे एक बार। बाबू देखो, विटनेस मतलब गवाह जिसके सामने साइन हुए हैं। सुन लो, ROC बैठा है कानपुर, कंपनी बन रही है मेरे ऑफिस में बैठकर, 7 मेंबर आए कि हमने कंपनी बनानी है। मैंने कहा ठीक है, ये MOA मैंने प्रिपेयर कर दिया, 7 लोग साइन कर दो। 7 ने साइन कर दिए। मैंने कहा आप में से जो 3 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनना चाहते हैं वो 3 साइन कर दो। उन्होंने साइन कर दिए, ठीक है। कंपनी की स्टैंप उठा उठा के लगा दी, जहां भी लगानी थी लगा दीजिए। विटनेस सर, ROC को कैसे पता A ने साइन करे हैं, B ने करे हैं, C ने करे हैं, D ने करे हैं, E ने करे हैं, F ने करे हैं, G ने? वो कैसे जानेगा बेटा किसने साइन करे हैं? वो तो बैठा है कानपुर, आप कर रहे हो साइन मेरे ऑफिस में बैठकर। बेटा ROC कहता है 2 गवाह के सामने साइन करना। और एक बात बता दूं बेटा, किसी की गारंटी लेना ना आज की तारीख में इज अ सीरियस क्राइम। अगर आप किसी चीज को विटनेस कर रहे हो ना, आप सोच भी नहीं सकते इसके कितने खतरनाक इंपैक्ट है। तो बेटा वो अपने साथ 2 लोग लेकर आए और उन 2 लोगों ने गवाही दे दी कि इन 7 लोगों ने मेरे सामने साइन किया। ध्यान रखना, कल को साइन में कोई भी गड़बड़ निकली ना, 2 लोग भी नपेंगे, आप सोच भी नहीं सकते। आपको गवाही देना किसी का, बता देता हूं क्या होता है, चलो समझा देता हूं एक बार, एक एक्स्ट्रा बात में लेकर जाता हूं। एक इंसान लोन के लिए अप्लाई कर रहा था, पार्थ, ठीक है ना। हाँ, ऐसी सारी बातों मुझे पता नहीं क्या बात है, पार्थ याद आता है। बेटा पार्थ ने लोन के लिए अप्लाई करा 10 लाख बैंक में। बैंक ने कहा पार्थ ऐसे तो लोन देंगे नहीं, एक गारंटर ले आ, इसका बेस्ट फ्रेंड रमन। रमन जाकर गारंटी दे आया पार्थ के 10 लाख के लोन की। सर आप सोच नहीं सकते बेटा, गवाही देना कितना बड़ा क्राइम है, रमन ध्यान रखियो इसका। तो बाबू मान लो, और मान के लो ऐसा होना ही है, पार्थ ने पहली किस्त नहीं दी बैंक की, दूसरी की तो नौबत ही नहीं आनी। पार्थ ने पहली किस्त नहीं दी, बैंक ने नोटिस भेज दिया कि पार्थ किस्त जमा कर दो अपनी। पार्थ कह रहा देखेंगे सोचेंगे। 1 महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया, 3 महीना बीत गया, दूसरा नोटिस भेज दिया पार्थ को, 3 महीने हो गए, पार्थ किस्त दे दो, इसने फिर किस्त नहीं दी। तीसरा नोटिस भेज दिया, तीसरे नोटिस के बाद पार्थ को नोटिस आना बंद, नोटिस आएगा विटनेस को कि आपने गवाही करी है, आओ 10 लाख पहले आप आकर जमा करा जाओ। मैं पहले ही कह रहा हूं तेरे को, पार्थ से बच के रहा, तू मानता नहीं बात को। हां जी बेटा, बात समझ में आई? किसी की गवाही करना मजाक नहीं है, किसी की गारंटी लेना मजाक नहीं है, समझ आए बात, ठीक है ना। तो बेटा ROC बैठा है कानपुर, उसको कैसे पता कि किन 7 लोगों ने साइन करे? वो 2 लोग गारंटी ले रहे कि मेरे सामने साइन हुआ है, ये मतलब होता है विटनेस का।
सर अब मेरा ख्याल बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा पॉइंट नंबर 1 और 2। विटनेस बनता कौन है? किसी को भी बना सकते हो, मैं वैसे तेरी नॉलेज के लिए बता सकता हूँ, ठीक है ना। जिसने काम लीगल करना है वो कुछ भी कर सकता है। जब मेरी पार्टनरशिप फर्म बन रही थी और रजिस्टर्ड हो रही थी तो मैंने और मेरे पार्टनर ने साइन करे, और विटनेस किसने करा? मेरे फादर और उसके फादर कि हमारे सामने साइन हुए। तो आप किसी को भी विटनेस बना सकते हो, कोई भी एक्स वाई जेड विटनेस हो सकता है। फंसेगा विटनेस मतलब जितनी लाइबिलिटी उस इंसान की है जिसने साइन करे हैं, उतनी लाइबिलिटी विटनेस की भी है। बाहर नहीं निकल सकते आप। क्लियर हुई बात? एक लास्ट टॉपिक करेंगे, पोजीशन ऑफ अ प्रमोटर, जो 3 लाइन का टॉपिक मैंने छोड़ा है, और फिर छुट्टी। और जैसे ही छुट्टी का नाम हम लेते हैं वैसे ही कंसंट्रेशन बच्चे की डबल हो जाती है ऑटोमेटिक। पता नहीं क्या बात होती है, बच्चे को खुशी अलग होती है। अरे छुट्टी होने वाली है, अब तो पढ़ ही ले भाई 3 पॉइंट। लो लो प्यारे बच्चों, बात करते हैं पोजीशन ऑफ अ प्रमोटर की। बेटा हल्की सी चर्चा इस पर, लेकिन एक केस स्टडी से बन सकती है, बहुत बढ़िया। लो सामने देखना बेटा, प्रमोटर कौन होता है? अभी आपने मुझसे बहुत अच्छे से पढ़ा है पहले लेक्चर में कि कौन प्रमोटर होता है। वही पर्सन जो आइडिया लेता है, वही होता है ना प्रमोटर बेटा, जिसने आइडिया लिया और कंपनी बनाने के लिए सारे रिसोर्सेस को ऑर्गेनाइज करा, इकट्ठा करा, उसको हम प्यार से प्रमोटर बोलते हैं। कहते हैं प्रमोटर की पोजीशन क्या होती है, सुनना। सब सामने देख रहे हैं बेटा, मैं इधर हूं। प्रमोटर इज नॉट द एजेंट ऑफ द कंपनी नॉर द ट्रस्टी ऑफ द कंपनी। एजेंट मतलब नौकर। सर प्रमोटर कोई नौकर है क्या कंपनी का? नहीं, प्रमोटर कोई एजेंट नहीं होता भाई, नौकर नहीं होता कंपनी का। प्रमोटर कोई ट्रस्टी है क्या कंपनी का? ये कोई ट्रस्ट बना रहे हो आप, कोई दान पुण्य का काम करने वाले हो कंपनी में? नहीं बेटा। कहता है प्रमोटर ना तो कंपनी का एजेंट होता ना ही ट्रस्टी होता, प्रमोटर स्टैंड्स इन अ फिड्यूशरी रिलेशनशिप विद कंपनी। सर काम का वर्ड है और यही वर्ड ऐसे लिख कर आना है, प्रमोटर स्टैंड्स इन अ फिड्यूशरी रिलेशनशिप विद द कंपनी। कहता है प्रमोटर की कंपनी के साथ जो बेटा रिलेशन है वो फिड्यूशरी है। फिड्यूशरी मतलब अ पोजीशन बेस्ड ऑन ट्रस्ट एंड फेथ। सर सुन लो, ऐसा क्यों कह रहा है कि प्रमोटर की पोजीशन ट्रस्ट और फेथ की पोजीशन है कंपनी के साथ? काम की बात, मैं लॉजिक बताऊंगा, ये लिखे नहीं होते एक भी नोट्स में मेरे, लॉजिक नहीं लिखा होता बेटा, पहले लॉजिक समझ लेना। कहता है प्रमोटर आपकी जो पोजीशन है ना कंपनी के साथ वो फिड्यूशरी पोजीशन है, यानी कि जो आपकी पोजीशन है वो ट्रस्ट पर बेस्ड है, वो फेथ पर बेस्ड है। ऐसा क्यों कह रहा? सुनो सर, कंपनी ना आज इनकॉर्पोरेट हुई है, आज कितने बड़े बड़े स्टेप कर लिए हमने, पूरा प्रमोशन निपटा लिया, पूरा इनकॉर्पोरेशन निपटा लिया, हजारों डॉक्यूमेंट बना लिए, सब खर्चे कर लिए। ये सारे खर्चे, सुन लो बेटा ये काम की बात है, ये सारे खर्चे इनकॉर्पोरेशन तक के, अभी तक तो कंपनी बनी नहीं थी, इनकॉर्पोरेशन पे कंपनी बनी है, अभी तक के सारे खर्चे प्रमोटर कर रहा है अपनी जेब से, अपनी जेब से। यानी कि बेटा सेकंड स्टेप याद कराऊं, मैं प्रमोशन का फिजिबिलिटी कराई थी एक्सपर्ट से, उसके पैसे जेब से दिए। फिर बेटा आपने क्या करा थर्ड स्टेप में, नेम अप्रूवल ROC को फीस अपनी जेब से दी, ठीक है ना। जितने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर हो रहे हैं MOA AOA जितने भी CA फीस मांगता जा रहा है आप दिए जा रहे हो, खर्चा करी जा रहे हो, ठीक है जी। बहुत खर्चा हो गया आपकी जेब से बाबू। आज जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी सबसे पहला एग्रीमेंट करती है प्रमोटर के साथ कि प्रमोटर आओ और अपने खर्चे लिखवा जाओ, जो जो आपने कंपनी बनाने में किए हैं हम आपके सारे खर्चे वापस करेंगे जैसे ही कंपनी में पहली कमाई होगी। सर अब प्रमोटर है, मैं फिर बोल रहा हूं आपकी पोजीशन ट्रस्ट की पोजीशन है, प्रमोटर ने खर्चे 1 लाख, वो कह लिख लो 2 लाख। इंडिया में बिल बनवाना कौन सी बड़ी बात है? आपने CA को कहा 1,10,000 दूंगा, आप 1 लाख मांग रहे हो, 2 लाख का बिल दे देना। CA ने कहा ले पकड़ 2 लाख, मुझे क्या, वो कंपनी से कितने निकलवाएगा? 2 लाख। सर लेकिन लॉ ने क्या बोला, आपकी पोजीशन ट्रस्ट और फेथ की पोजीशन है। 11th क्लास के बच्चे तो वैसे ही इमेजिन कर सकते हैं ट्रस्ट और फेथ हमारा किस किस के साथ होता है। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात नहीं चल रही यार, मतलब गलत मत सोचो, तुम तो ट्रस्ट को भी अलग ही लेके जाते हो भाई, ठीक है ना जी। बात समझ में आई बेटा? प्रमोटर स्टैंड्स इन अ फिड्यूशरी रिलेशनशिप विद कंपनी, आपकी पोजीशन ट्रस्ट और फेथ की पोजीशन है, आपको हर हाल में ऑनेस्ट रहना चाहिए। कंपनी से उतने ही पैसे निकलवाओ ना जितने आपने खर्चे हैं भाई, झूठ क्या बोलना, खत्म। रीड करेंगे हम पोजीशन ऑफ अ प्रमोटर,
फिर छुट्टी कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, बाय बाय।